अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ मैं हूँ फ़ाद शहबाज़ खान। ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये पेट्रोल पंप सील है। इस तरह के बहुत सारे सर्विस स्टेशन जो हैं वो लाहौर में सील हैं, और उसकी बुनियादी वजह के वो रिसाइकलिंग प्लांट उन्होंने नहीं लगाया, जो बड़ा ज़रूरी था, जो पानी की बचत करता है, जो पानी को बचाता है। काश ऐसा हो सके कि ये बारिश का जितना पानी आज लाहौर में गिरा है, जहाँ जहाँ गिरा है, इसे महफूज करने के लिए घरों में ऐसे सिस्टम मौजूद हों, सरकारी इमारतों में ऐसे सिस्टम मौजूद हों और दीगर प्राइवेट सेक्टर्स में ऐसे सिस्टम मौजूद हों कि इस पानी को महफूज किया जा सके और बाद में काबिले ज़रूरत बनाया जा सके। काश ऐसा हो कि घरों में जो लोग दो दो तीन तीन घंटे नहाते हैं और शावर मुसलसल चलता रहता है, वो इस बात को व्यूलाइज कर सकें कि आने वाले दिनों में हालात कितने ख़राब हो सकते हैं और हमारा हाल कराची जैसा, पिंडी जैसा या केप टाउन जैसा बन सकता है, जिसमें आपको लिटिल वाटर मिलता है, बहुत थोड़ा पानी, स्मॉल पानी मिलता है, ताकि आप नहा सकें, पानी पी सकें। और पीने के पानी को जिस तरीके से यूटिलाइज़ किया जा रहा है, जिस तरीके से उसे ज़ाया किया जा रहा है, जिस तरीके से बकिए उधेड़े जा रहे हैं, तमाशा प्रोग्राम ने अरसा दराज से ना सिर्फ इस पर आपको दिखाया कि किस तरह से लोग पानी ज़ाया कर रहे थे, सर्विस स्टेशन का मामला हो और पार्क में आबशारों के चलने का मामला हो, वो सारे मामला आपको बड़ी तफसील से दिखाए हैं। और सबसे बढ़कर, अगर आप पानी महफूज नहीं करेंगे और इसको इसी तरह ज़ाया करते रहेंगे तो ज़ेर ज़मीन पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता गिरती जा रही है, जिसकी वजह से हालात ख़राबी का शिकार होंगे। इनको बचाने के लिए, इनको क्योर करने के लिए, आने वाली नस्लों को महफूज कल देने के लिए पानी को बचाना चाहिए, अपने लिए भी, आने वाले कल के लिए भी, ताकि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ भी जा सकें। माजी में प्रोग्राम तमाशा इस पर क्या क्या इकदाम करता रहा, कौन कौन सी अहम तरीन स्टोरीज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करता रहा और कहां कहां से विजुलाइज करवाया, लोगों को दिखाया कि पानी को बचाया जा सकता है, तो ताकि हालात बेहतरी की तरफ जा सकें। क्योंकि अपना मानना ये है कि पानी आँख में भर कर लाया जा सकता है, अब भी जलता शहर बचाया जा सकता है। ये वो ट्यूबवेल्स हैं जिनसे साफ पानी निकाल कर आबियारी की जाती है। ये वो पानी है, ये पूरा का पूरा पाइप है जी, जो साफ पानी है, साफ पानी पीने वाला और खूबसूरत पानी, बहुत मज़ेदार पानी। और ये हल्का हल्का आपको कोसा नजर आएगा, ये पानी देखें आप जरा। और कमाल सर, इस पानी को बचाने के लिए, इस पानी को बचाने के लिए आपने पिटीशन दायर की थी और अदालती हुक्म पर इस पानी को बचाने के लिए अभी तक इंतजामिया की जानिब से अमल दरामद नहीं हुए। तो आप देख सकते हैं कि कितने लीटर गैलन्स, कितने सैकड़ों हजारों लीटर गैलन्स जो है ये, और कितना क्यूसिक पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है। ये फुहारा भी आप देख सकते हैं, और ये कई इस तरह के फुहारे और भी लगे हैं इस पार्क में, काफ़ी बड़ा पार्क है। अक्सर साहब मुझे ये बताइए कि डीजी साहिबा तो आपकी फरमाती हैं अदालत में, और उन्होंने कहा कि जज साहब ये तो मसला ही कोई नहीं, ये तो 10 मिनट का खेल है, हम तो फौरी कर देंगे, और आप ये देखें पानी का ज़िया, और अभी तक जिना में ये ज़मीनी पानी लग रहा है, ट्यूबवेल्स ज़मीनी लग रहा है, ऐसे ही है। डायरेक्टर पीएचए की गुफ्तगू आप सुन रहे थे, उन्होंने अभी फरमाया कि कुछ छोटा मोटा फुहारा होगा, ये छोटा मोटा फुहारा आपको दिखाते हैं कि हम UC2 में खड़े हैं, पीने वाले पानी की ये सूरत हाल है। अगर कैमरामैन साहब दिखा सके, ये कैमरामैन साहब अगर दिखा सके, ये अगर दिखा सके तो ये यहाँ की सूरत हाल है और ये यहाँ पानी की सूरत हाल है। मुझे बताएं जी, कब से इस तरह है? ये काफी दिन से ऐसे है जी, वजू करने के लिए पानी नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। बच्चे साफ पानी आता है? कितने साल हो गए? ये देख सकते हैं जी आप, वजू के काबिल भी नहीं है पानी, बदबू आती है, गटर मिला पानी है। ये पानी की सूरत हाल है, ये पानी हम पीते हैं और कई सालों से ये पानी पी रहे हैं, इसी के ऊपर हम नहाते हैं, इसी के ऊपर हम गुसल करते हैं और इसी पानी से वजू करते हैं। यहाँ से वो 5 साल हो गए हैं, एक बार नहीं यहाँ तक आया। उससे पूछे कि अगर वो अब सुबाई वजीरा तो यहाँ पर आके अपने अपने इलाके का हाल देखे, अपने जोन से जहाँ से वो जीते है वहाँ पर आके देखे, हमने उनको वोट दिए। मकसद ये है कि जदों से MPA होया है, MA होया, MPA जो भी हो, इन्होंने दोवें ये साढ़े हल्के च आके बड़े ही ने। एक दिन आया मैं उन्हें पूछया, मैं आखिया मलक साहब आ वेखो की हाल है, वो आंदा चुप कर जाए, इतने इो हाल रहना घर के अंदर,
टैंकी की बाल्टी जो पानी भरते हैं उसके नीचे इतनी गार होती है, रोज टैंकी धोते हैं उसके टैंकी गार ही बहुत ज्यादा घर के अंदर, घर के अंदर पानी के अंदर बलगम हमारे घर में आई है। बच्चों पानी साफ आता है? नहीं आता। साफ पानी चाहिए? साफ पानी चाहिए? ये आप देख सकते हैं जी पानी की रंगत, अगर कैमरामैन साहब दिखा सके, पानी की रंगत ब्लैक है, सुरमई से भी डार्क है ज्यादा। जनाब बिल दे दे के ये थक गए हैं ना, एमएनए बढ़िया सारे इलाके से। पीने का पानी लाहौर का सबसे बड़ा इशू है और ये इशू इतना बढ़ चुका है कि आप ये देखें कि 900 प्लस लोकल गवर्नमेंट के अंडर जो फिल्ट्रेशन प्लांट हैं उनकी सूरत हाल क्या है, आप मेरे साथ आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये सारे के सारे बंद हो चुके हैं अरसद रात से और ये यहाँ की सूरत हाल है और आप देखें कि लिख के उन्होंने लगाया हुआ है कि यहाँ कुछ भी नहीं है और अरसद रात से ये बंद पड़े हैं। बेशुमार दफ़ा जो है वासा को भी जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनकी जानिब से, लोकल गवर्नमेंट की जानिब से लिखा गया, कहा गया। वाइस चेयरमैन वासा इस वक्त शेख इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शेख साहब मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाह रहा हूँ कि पानी के हवाले से जो पॉलिसी है और ये जो बार बार प्रॉब्लम्स हैं और लोग कहते हैं कि मुजर सेहत पानी बड़े मसाइल का बायस भी बनता है, तो क्या पॉलिसी है अब तक और कब तक वो गोल अचीव हो जाएगा जो वीएन आप लेके बैठे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये समझता हूँ कि पानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और सबसे ज़्यादा इसको जो है इग्नोर किया गया माजी में। अब हमारी हुकूमत की प्रायोरिटीज़ में ये शामिल है कि हम ह्यूमन डेवलपमेंट पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं और ह्यूमन डेवलपमेंट जब इन्वेस्टमेंट का आप सोचते हैं तो पानी सबसे पहले है, क्योंकि पानी से ही जो है बीमारियों का भी आप समझते हैं कि बहुत ज़्यादा बीमारियाँ भी फैलती हैं और साफ़ पानी जो है वो हर शहरी का हक है और हुकूमत को प्रोवाइड करना चाहिए। हम इंशाल्लाह ताला अगले 5 साल में कोई नए प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं जिसमें पहला प्रोजेक्ट है जिसमें 25% लाहौर इंशाल्लाह होगा ब्लू ड्रॉप, उस पर काम शुरू हो गया हुआ है जो सर्विस वाटर को ट्रीट करके हम घरों में सप्लाई देंगे और वो ड्रिंकेबल वाटर होगा। इसके अलावा पीछे कुछ पाइपलाइंस को चेंज किया गया और वो पाइपलाइंस जो पुरानी थी उन्हीं के साथ अटैच कर दिया गया, उसकी बात की समझ मुझे आज तक नहीं आई, उसको भी हम डिसेबल कर रहे हैं और डिसेबल करके हम इंशाल्लाह ताला जो नई लाइनें हैं उनमें जो है वो इंशाल्लाह वहाँ से कनेक्शन जो है वो देंगे। इसके अलावा वाटर पॉलिसी पहले कोई नहीं थी, वो वाटर पॉलिसी हम लेके आ रहे हैं। पानी के कवानीन जो है वो इतने ज़्यादा कोई स्ट्रिक्ट नहीं थे, वो हम लेके आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। ड्रेनेज में गारबेज फेंकने के ख़िलाफ़ जो है वो हम कानून साजी जो है हमने करनी शुरू कर दी है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जो अगली एलडीए की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होगी उसमें काफ़ी ज़्यादा कानून जो है वो हम इंशाल्लाह। आप चूँकि सियासी आदमी हैं और मेंबर गवर्निंग बॉडी भी हैं तो आपने हुकूमत को एग्जैक्ट पिक्चर दिखाई है कि एग्जैक्ट पिक्चर बड़ी खौफनाक और भयानक है, क्योंकि आपके पास अगर वासा की बात करें तो आपके पास अफरादी कुव्वत की कमी, इक्विपमेंट की कमी, जिद्दत की कमी, सारे मसाइल की कमी, और हुकूमत को क्या एग्जैक्ट पिक्चर का पता है कि अब तक आपके पास तो नक्शे भी मौजूद नहीं है? और मैं अकाउंटेबल हूँ करने का कि मैंने जवाब दे ही देनी है ना हुकूमत को जाके, सारा स्टाफ भी अब हमारा बड़ा कोऑपरेट कर रहा है तो पहली दफ़ा हम इसको डीपोलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसमें काफ़ी हद तक हम कामयाब भी। बहुत सारी आबादियाँ जिनमें आपकी ड्रेन जो हैं वो मिल चुकी हैं, गटर का पानी मिल चुका है, वो पाइपलाइंस गल चुकी हैं, शादरा बहुत बड़े पैमाने पर हम सर्वेस कर चुके, तमाशा टीम ने बहुत सारे प्रोग्राम्स इस पर किए, तो उनका सर्वेस आपका क्या कहता है? और सबसे बढ़कर मेयर साहब के ऑफिस की जानिब से आपको बारहा लेटर लिखे जाते हैं कि हमारे पास जो फिल्ट्रेशन प्लांट है हमसे नहीं चल रहे, या उनको ठीक कर दें या वो अपनी तहवील में ले लें, उसके लिए आपका क्या विजन है? हाँ, जो काफ़ी ज़्यादा जो मैं ये समझता हूँ कि वासा के जो तमाम के तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट हैं वो वर्क कर रहे हैं और अभी भी आप जाके देखें तो आप कंप्यूटर पे देख सकते हैं सबको कि 500-600 के करीब हमारे जो फिल्ट्रेशन प्लांट हैं उनकी पूरी मॉनिटरिंग होती है और वो सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम उनमें लगे हुए हैं। जो ये लगाए गए उनका वो बहुत बुरा हाल है और वासा अगर लेगा तो वो बड़ा एक मुश्किलात हैं, मैं ये नहीं कहूँगा लेकिन उससे बेहतर होना चाहिए उसको। हम जो है ये जो आपने देखा है कि ये पानी की जो रीज़न सबसे फाइंड आउट करने की ज़रूरत होती है कि पानी डाइल्यूट क्यों हो रहा है,
क्यों सीवरेज का पानी मिल रहा है उसके अंदर, तो उसकी रीज़न को फाइंड आउट करने के लिए वो फाइंड आउट कर ली गई हुई है और उस पर अमल करना शुरू कर दिया गया। वो उसमें सबसे ज़्यादा जो चीज़ थी वो इलीगल कनेक्शन थे, इम्प्रॉपर कनेक्शन थे। प्रॉपर कनेक्शन होता है जहाँ पे घर का पानी जो है वो वासा की लाइन में शामिल ना हो, और वासा की लाइन को लोग इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे वो आम लाइन है, हालांकि उसको कोई टच नहीं कर सकता। उसके लिए कानून साजी मौजूद है जिस पर आज तक अमल नहीं किया गया। जो भी पंक्चर करता है अपने घर का कनेक्शन लगा लिया है, और वो कनेक्शन के लिए हमने एमनेस्टी स्कीम शुरू की, 20,000 के करीब हमने शामिल कर लिए हैं। आखिरी सवाल मैं आपसे शेख साहब ये करना चाह रहा हूँ कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक एमरजेंसी नाफिज की जाए उन इलाकों के लिए जहाँ लोग क्लेम करते हैं कि उनके यहाँ गंदा पानी आ रहा है और उसकी उसके मसाइल हैं, और वहाँ जो भी मसाइल हैं उनको फौरी तौर पर हल किया जाए और आपकी टीमें जो हैं हर वक्त वहाँ मौजूद रहे हैं जब तक वो मसला हल ना हो, और ये पूरी एमरजेंसी पूरे लाहौर में उन एरियाज़ में जो ग्रे एरियाज़ हैं जो जहाँ से कंप्लेंस आती हैं, जहाँ रोज़ कंप्लेन आती हैं, डेली रिपोर्ट होता है। अब आपको मज़े की बात ये बताएं कि आपकी कंप्लेंस आना कम हो गई हैं, ये भी कर दिया है ना आपने, कंप्लेंस आना कम हो गई। बिल्कुल, मैंने भी एक सर्वे किया, ये कंप्लेंस आना इसलिए कम हो गई हैं कि लोग टकरा टकरा के आपकी दीवारों से वासा की से वो सर फाड़ लिए उन्होंने, यहाँ से किसी ने कोई उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, अब वो कंप्लेन करना बंद हो गए। मेरा ख्याल है मेरे ही ऑफिस में सुबह से शाम तक जो है 200 के करीब लोग आते हैं। ये कंप्लेन कम होने की वजह ये नहीं है जो है कि जी, और जो साफ पानी की एमरजेंसी नाफज है, करनी चाहिए, ये नाफज है। अगर किसी इलाके में भी पानी गंदा आ रहा है तो वहाँ के एसडीओ को वहाँ पे फौरी तौर पे पहुँचने की हिदायत है, रीज़न फाइंड आउट करने के बाद उसको रेक्टिफाई करने की उसकी हिदायत है। तो ये आप ये ना कहें कि नाफज कर दी जाए, ये नाफज है। अगर किसी इलाके में पानी गंदा आ रहा है तो आप हमें मेंशन करें, हम वहाँ के एसडीओ से बात करेंगे। ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि ये एक वाहद चीज़ है जिसको हम ये नहीं कह सकते कर देंगे। रेस कोर्स हम खड़े हैं इस वक्त, और मोहतरम जज साहब के ऑर्डर्स हैं, लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं जिस पर फौरी तौर पर इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है, और इसका तारीखी नाम जिलानी पार्क जहां हम मौजूद हैं इस वक्त। आबशार आप देख रहे हैं, और ये आबशार जो है वो ट्यूबवेल पे चल रही है, और ट्यूबवेल ज़मीनी पानी खींच के और इस आबशार को चढ़ाता है, और ये सारी की सारी कनेक्टिंग इसके साथ ये लेन्स हैं जो ड्रेन की हुई हैं, और ये सारे पार्क को जो हैं वो सराब करती हैं जितने भी यहाँ पौधे लगे हैं। और हाईकोर्ट के अहकाम क्या हैं? हाईकोर्ट अहकाम के मुताबिक बड़े पार्क्स, जिलानी पार्क हो, जिना पार्क हो, इसके अलावा जितने भी पार्क्स हैं, पीयू की ग्राउंड्स हों, फुल बूटे हों, जीओआर वन हो, टू हो, जहाँ जहाँ भी ये सारा ज़मीनी पानी लगता था जो पीने के काबिल था, उसको तहफ़ फ्राहम करने के लिए, आसानी के लिए, क्योंकि DGLDA ने भी कल कोर्ट में बताया, मोहतरम जज साहब की अदालत में, हाई कोर्ट में बताया कि पानी की सतह इतनी नीची जा चुकी है कि एक वक्त आएगा कि ये घर जो हैं ये ज़मीन बोस होना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई। तो इन सारी बातों को मलहूज़ खातिर रखते हुए अब सूरत हाल ये है कि पानी बचाओ मुहिम किस तरह जो है उसे फाल किया जा सकता है, उसे इफेक्टिव किस तरह किया जा सकता है। एजुकेट करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को पता है, इम्प्लीमेंट करवाने की ज़रूरत है। इम्प्लीमेंट कैसे करवाएंगे ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इस पर हम बात करेंगे। और सबसे बढ़कर ये PHA के हमारे साथ जवान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहसिन जमील। मोहसिन, आप तो थक गए होंगे ड्यूटी कर करके, कितने घंटे ड्यूटी है आपकी? 8 घंटे। 8 घंटे, अब कितने घंटे हो गए आपको? अभी 4 बजे स्टार्ट हुई थी, 12 बजे। और ये आबशार इतना खूबसूरत मंजर जो पेश कर रही है, इसके तो अंदर ट्यूबवेल लगा हुआ है। जी, अंदर ट्यूबवेल लगा हुआ है। तो कैसे चलता है ये? अंदर से बिजली से चल रहा है? जी, बिजली से चल रहा है। और इसका ये जमीनी पानी खींचता है? जमीनी पानी। और ये फिर आप ये ड्रेन आपने जो सारी की हुई है ये पौधों को लगाती है पानी, घास को, पौधों को लगती है। ये कहाँ हम जाके जनरेटर की आवाज़ सुन सकते हैं? ये पीछे वाला गेट है इसका। आप मेरे साथ आएंगे जरा? आए जी मेरे साथ। मेरे साथ अशफाक साहब हैं, सबीउल हसन साहब हैं, और सोहेल कैसर साहब हैं, बड़े सीनियर नाम हमारे साथ मौजूद हैं आज, इनसे हम बात करेंगे। और सबसे बढ़कर बताना मकसूद ये है कि हाईकोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद इम्प्लीमेंट नहीं हुआ ऑर्डर, और आज भी सूरत हाल यही है, और इनके जो कनेक्टिंग लेन्स हैं नहर के साथ वो चालू हैं, वो सारे के सारे कनेक्शंस बहाल हैं, और उस पर बाकायदे तौर पर अदालत को ब्रीफिंग भी दी जाती है, लेकिन पानी बचाओ मंसूबा जो है उस पर अदालत की जानिब से इंतहाई सख्त रिमार्क्स भी दिए गए, तशवीश का इजहार भी किया गया, और साथ ये भी बताया गया कि ये सबका कौमी फरीज़ा है कि आप पानी बचाएं, ऐसा ना हो कि किसी दिन आप अपने जो घर में नल खोलें तो आपको पानी ना मिले।
तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो बड़ी खतरनाक हो जाएगी और इससे सफ़र करेगी हमारी आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो इससे इंतहाई शिद्दत के साथ। ये लॉक लगा है, जनरेटर की आवाज़ कोई आ सकती है यहाँ से? जी बिल्कुल, इधर हम जनरेटर सुन पा रहे हैं लेकिन हम अपने व्यूअर्स को शायद ये ना सुनवा पाएँ, ये वॉइस जो गेन हो रही है ये शायद ना हो पाए। कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम हो जाए। ये लोगों अगर मैं जी थोड़ा सा इधर रखूँ तो ये आवाज़ गेन होगा भला? कैमरामैन साहब अगर बताएं, ये जनरेटर जो चल रहा है अंदर, ये पानी उसका एक लिंक बाहर भी उन्होंने रखा हुआ है, ये अगर कैमरामैन साहब दिखा सके तो अंदर जनरेटर चलने की आवाज़ आपको दिखा सकते हैं, आपको सुनवा रहे हैं जनरेटर की आवाज़ अगर ये कैच कर पाए। बड़ी कम आवाज़ है क्योंकि आबशार का शोर भी है साथ, तो ये बड़ी कम आवाज़ है। मैं कोशिश करता हूँ कि ये आपको सुनवा सकूँ। इसे अगर लोगो उतार के ऑडियो गेम कर लें, आवाज थोड़ी गेन हुई है जी, और आवाज गेन होने के बाद की सूरत हाल है कि अंदर जनरेटर चल रहा है। एक सवाल इनसे ये पूछ लें कि क्या ये पीने का पानी है, ये साफ है, इस पानी को हम पी सकते हैं? ये जरा ये साफ नहीं है, जमीन से निकल रहा है? ये जमीन से निकल रहा है, काबिल इस्तेमाल हुआ ना? ये फिल्टर वगैरह लगा इसका? नहीं, फिल्टर लगा लेंगे तो पीने के काबिल हो जाएगा, लगा लेंगे तो पी सकते हैं पानी को? ये तो कुछ बता ही सकते हैं वो? नहीं, साफ पानी हुआ ना, जमीनी पानी है ना, उस पर फिल्टर लगाएंगे तो वो साफ हो जाएगा। साफ पानी है और जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब, आप देखे ना केस क्या चल रहा है, जमीनी पानी को यही सेव करें, यही नुकता है बिल्कुल। अच्छा, जज साहब के रिमार्क्स क्या थे आपको याद हो? कल में कल जज साहब फरमा रहे थे, उन्होंने कहा कि बहुत सारा ऐसा पानी है जो लोग पीते हैं जो जानवरों के भी काबिल नहीं है, और ये पानी तो कहते सोने की तरह है उनके लिए। वो देखें बात यही है, जैसे सर्विस स्टेशन वाले, किस चीज का पानी निकल रहा है? अंदर से निकल रहा है, वाल है थोड़ा सा। जनरेटर कितनी देर चलता है? जनरेटर नहीं, ट्यूबवेल है अंदर। ट्यूबवेल कितनी देर चलता है? जब जरूरत के मुताबिक चलाते हैं, शाम में चलाते हैं जी, जब ये ग्राउंड को लगाते हैं पानी। अच्छा, एक चीज सिर्फ, मैं ये वो वाला पानी है जैसे सर्विस स्टेशन वालों का कहना है कि हम जी आपको 100 फुट से पानी ले रहे हैं जो कि काबिल इस्तेमाल नहीं, तो उस पर ही जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब ने भरमी का इजहार किया और कहा कि अगर फिल्टर लगा ले फिर तो काबिल इस्तेमाल है, तो अब किस तरह से साफ पानी को जो जमीन से निकल रहा है उसको जाया कर सकते हैं, लेकिन कितनी बेदर्दी के साथ, कितने ये बड़ा जुल्म है ये जिस तरह से ये पानी जाया कर रहे हैं, और ये पीने का साफ पानी है। लेकिन अगर आप लाहौर के पिछले इलाकों में चले जाएं तो वहां पर अभी से ही पानी की किल्लत शुरू हो चुकी है, पीने का पानी लोगों को मिल नहीं रहा, लेकिन यहाँ 500 फीट पे बोर नहीं होता सर, बिल्कुल आप चेक तो करें, लोगों से पूछें बिल्कुल, और 1000 फीट पे जाके बोर कहीं निकलता है। MD वासा की ये स्टेटमेंट थी कोर्ट में कि सिर्फ और 2 से 3 साल के बाद यहाँ पर पानी की किल्लत पैदा हो जाएगी, और इस तरह से पैदा होगी कि लोगों को पीने का साफ पानी नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अब से हम देख रहे हैं जो लाहौर हाईकोर्ट ने हुक्म दिया था कि रेस कोर्स पार्क, जिलानी पार्क और इसके मलहिका GOR, ये इन तमाम जो करीबी नहर के पार्क्स हैं उनको नहरों का पानी फौरी तौर पर दिया जाए, और ऐसा भी नहीं है कि दोबारा इन्होंने कोई वहाँ पानी ना होगा तो यहाँ आपको आबादी भी नज़र नहीं आएगी, ये खंडरात में बदल जाएंगी सारी चीज़ें, और सबसे बढ़कर ये जो शादाबी, ये जो सरसब्ज़ो शादाब आपको बागात नज़र आते हैं, जो लाहौर का हुस्न है, जो लाहौर की ब्यूटी है, ये सारे के सारे बागात जो हैं वो आपको खंडरात में तब्दील होते नजर आएंगे। सोहेल कैसर साहब, ये कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद इंप्लीमेंट होना चाहिए था, लेकिन ये अभी भी आप देखें कि ज़मीनी पानी को ज़ाया किया जा रहा है और बेदरेक ज़ाया किया जा रहा है, और इससे आप सारे का सारा पार्क खराब कर रहे हैं। हालांकि आपका केनाल वाला लिंक वो बहाल है, वो चल रहा है, और लिंक के साथ साथ आपको पता है केनाल में पानी भी है, तो लिहाजा उसे इंप्लीमेंट किया जा सकता था विद इन आवर्स, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। ये एक कलेक्टिव एफर्ट के जरिए ही चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अब अगर जहाँ तक ये सवाल आपने किया है जी कि PHA, मैं कोई उनका स्पोक्समैन तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं एक बात बताता हूँ कि उन्होंने आज ये हुक्म दिया है जस्टिस जो है हाई कोर्ट के, आज हुक्म नहीं दिया सुहेल साहब, ये हुक्म तकरीबन एक हफ्ता पहले का हुक्म है कि नहरों का जो पानी है वो करीबी पार्क को दिया जाए। MD वासा, एडिशनल DG जो PHA हैं, उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई कि हम फौरी तौर पर पीने का जो साफ पानी है ये पौधों को देना बंद कर देंगे, और हमारे पास लिंक मौजूद हैं जहां से नहर का पानी पौधों को दिया जा सकता है। तो सुहेल साहब का ये कहना कि खुद से जब तक रियासत बोर आपको दिखाता हूँ, ऐसे बोर आपको दिखाता हूँ जहाँ पाइप लगे और वो पौधों को जा रहे हैं, उधर चलते हैं सभी साहब जो आप निशानदेही कर रहे थे थोड़ी देर पहले। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना वो ये चीज़ ये है कि अगर आपने आबशार बनाकर एक पार्क को खूबसूरत बनाना है और एक आर्टिफिशियल पानी की और एक लुक देनी है,
किसी फॉल की, तो उसमें पानी का रिसाइकल होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उस पानी को ही बार बार चलें, एक दफ़ा हमारा जो पानी है लेट्स सपोज वो ज़ाया थोड़ा सा हो भी जाता है, अगर हम उस इसी पानी को रिसाइकल करते हैं तो ये सूरत हाल नहीं होगी जो फाल साहब आप अभी देख रहे हैं ना। पानी लगातार आ रहा है और वो बह जा रहा है, उसके लिए रोकथाम नहीं है। ये सिर्फ पार्क्स का हाल नहीं है, आप लाहौर शहर के किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएँ फात भाई, वहाँ जाके आपको पता लगेगा किचन्स में टूटियाँ खुली हैं, पानी बह रहा है, बर्तन धुलने हैं, जो सेल से बात कर रहे थे बिल्कुल, और हर जगह पानी बह रहा है। ये सिर्फ पार्क्स नहीं, आप रेस्टोरेंट्स में किसी भी एम एम आलम के, शालीमार के, किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाएँ आप, वहाँ पर आपको टूटियाँ खुली होंगी, बर्तन धुलने हैं, बर्तन पड़े हुए बेसन के अंदर और टूटियाँ खुली हैं, लीक होता जा रहा है पानी, लीक होता जा रहा है, लेकिन किसी रोकथाम के लिए अवेयरनेस नहीं है लोगों को। अगर जब तक आपने बात की ना कि लोगों को पता है, अवेयरनेस है, अवेयरनेस से ज्यादा डंडे की जरूरत है यहाँ पर, क्योंकि जब तक यहाँ पर कानून नाफिज नहीं होगा, जब तक यहाँ पर लोगों को पानी के ज़िया करने से मुतल्लिक उनको एहसास नहीं होगा कि अगर हम इतना पानी ज़ाया करेंगे तो हमें इतना फ़ाइन होगा, तब तक ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी। आप ये देखें कि एमडी वासा ने ये बताया कि लाहौर की 1.5 करोड़ आबादी, सिर्फ 40,000 पानी के कनेक्शन लीगल हैं जिनसे वो बिल वसूल करते हैं। तो यानी यहाँ पर वासा बोर का पानी आ रहा है जी, ये बोर का पानी। कैमरामैन को कहें कि ये पानी दिखाए, ये नहर का पानी नहीं दिया जा रहा पौधों, बोर का पानी है, साफ पानी, साफ पानी है जो कि पौधों को दिया जा रहा है, जिस पर हाईकोर्ट ने पाबंदी लगाई है कि साफ पानी को महफूज करें और जितना भी इसको कर सकते हैं। और सबसे पहले उन्होंने यही दिखाया जी, कैमरामैन साहब ये वो पानी है जो बोर से आ रहा है, और इसके बाद की सूरत हाल ये है कि इसकी वजह से बहुत सारा जमीनी पानी जो पीने के काबिल है और जिसे फिल्टर लगा के पीने के काबिल बनाया जा सकता है, उस पर ये ज़िया है उसका बहुत बड़ा। सुहेल साहब मुझे ये बताइए कि इस पर इम्प्लीमेंट करना चलें, वो तो मजमुई फ्रीज़ा जो है उस पर भी मैं बात करता हूँ, अभी फिल फॉर एक हफ्ते से ये चीज़ें चल रही हैं और पीएचए भी जाता है, बाकी अथॉरिटीज़ भी जाके पेश होती हैं, डीजीएलडीए भी जो है वो भी पेश हुई, तो इसमें कलेक्टिव विजडम के साथ इम्प्लीमेंट करना चाहिए था फौरी तौर पर। यार ये एक बिल्कुल सही बात है कि हमें पता नहीं क्या अल्लाह की मार है कि हम जब तक एक चीज़ को बाई फोर्स हम पर इम्पोज नहीं किया जाता, हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। हेलमेट की आप मिसाल ले लें, ट्रैफिक पुलिस वाले दिहाइयों से पिटते पिटते मर गए थे कि यार अल्लाह का वास्ता हेलमेट पहनो, ये आपकी सेफ्टी के लिए, हमारी सेफ्टी के लिए, लेकिन नहीं पहनते थे। कोर्ट ने ऑर्डर किया है तो अब आप देखिए कि लाहौर में तकरीबन 80% लोग अब हेलमेट पहनकर बाइक चला रहे हैं, माल रोड पर तो नाकाबले तसव्वुर है अब हेलमेट पहनकर आना। अब ये जो पानी वाला इशू है ना, ये देखे जी बहुत सारे कनेक्शंस हैं, ये देखे बड़ा साफ पानी है। मैं अगर कोशिश करूं, ये मेरे मुझे थोड़ा हाथ अगर दें जी, मैं कोशिश करूं अगर यहाँ तक जा सकूं तो मैं आपको दिखाऊं, बल्कि उधर से जाते हैं जी, इधर आए जी, नहीं जाएगा, नहीं जाएंगे, और जूती स्लिपरी है, आपको दिखाते हैं जी सूरत हाल। और ये सूरत हाल जो है ये इंतहाई ख़राब है, और उसकी बड़ी वजह यह है कि इस खराबी की वजह ये है कि यहाँ बोर वाला जो पानी है उसे, जो काबिल इस्तेमाल पानी है, उस पानी को जो है इधर बेदरेग ज़ाया किया जा रहा है। और ये आप देख सकते हैं, ये बोर के पानी की सूरत हाल आप देख सकते हैं, ये देखें साफ पानी है, बिल्कुल साफ पानी, और ये पीने के काबिल, आप टेस्ट कर लें, ये ज़मीन का पानी है, और इस ज़मीन के पानी की वजह से इसको जो है ज़ाया किया जा रहा है। और इसका ज़ाया रोकने के लिए कोशिश ये होगी कि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद किया जाए, और जो कनेक्टिंग इनकी ड्रेन्स शामिल हैं, जो कनेक्शन शामिल हैं, जो पाइपलाइंस इनकी पाइपिंग ऑलरेडी हुई है और वो कनेक्शंस बंद थे, और वो अदालत में बताया गया कि ये पाइपिंग जो है इसे खोला जाएगा फौरी, नहर का पानी जो है वो लगाया जाएगा इनको, तो इस बात को एक हफ्ता तकरीबन हो गया, लेकिन इस पर अमल दरामद किसी भी तरीके के आपको नज़र नहीं आएगा। और ये पानी जो है ये आपको सूरत हाल है, इसकी वजह से जो ज़िया होगा, जो नुकसान होगा, वो सारे का सारा उन लोगों का होगा जो पानी इस्तेमाल करते हैं। और इनको घरों में भी चाहिए कि आप पाइपिंग करके गाड़ियों को धोने की बजाय बड़े तरीके से, बड़े हिसाब किताब से, दो दो घंटे लोग नहाते हैं, बड़े फैशन है नहाना, दो दो घंटे लोग जब नहाते हैं तो पानी को ज़ाया नहीं करते। देखें वासा ने कुछ अरसा पहले एक स्टडी कराई थी लाहौर में, और जो इलामा इकबाल टाउन है उस एरिया को फिक्स किया गया था स्टडीज़ के लिए, तो मैं आपको बताऊँगा, आप देख कर हैरान, सुनकर हैरान होंगे कि फी कस 84 गैलन एक शख्स रोज़ाना इस्तेमाल करता था, और ये वो शरह है जो साउथ ईस्ट एशिया में किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा है, जो इस खत्ते के जितने दूसरे मुल्क हैं उन सब में से ज़्यादा है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि एक ऐसा मुल्क जो अगले
ये 2018 चल रहा है, 2025 तक पानी की इंतहाई किल्लत वाले ममालिक में शामिल होने जा रहा है। उसका ये आलम है कि वहाँ पर पानी का इस्तेमाल साउथ ईस्ट एशिया में सबसे ज़्यादा है, साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारी अवेयरनेस है कि आपको नहीं पता कि पानी ज़ाया करना, हमारा तो मज़हब भी कहता है कि यार पानी को ज़ाया मत करो, दरिया पर बैठ कर भी उसको ज़ाया मत करो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जी, क्या नाम है आपका? सैमुअल साहब, तबीयत कैसी है आपकी? और ये कहाँ से आ रहा है पानी? ये झील से। तो झील का पानी तो जमीन से आ रहा है ना, हमारा ट्यूबवेल चल रहा है। पता नहीं कहाँ से आ रहा है, नहर का भी आ जाता है, बारिश का तो अभी खोले नहीं लेंगे, बारिशों का भी आ जाता है। अच्छा, ये अभी पानी झील से आ रहा है? झील से आ रहा है। तो झील का पानी कहाँ से आ रहा है जी? झील का पानी बोर से आ रहा है, झील कोई और ऐसी कोई सैफल मलूक तो है नहीं कि आपकी आंखें बताऊं कैसी हैं, झील सैफल मलूक जैसी है। ये जो पानी लगा रहे हैं, इनको पता है कि पानी कहाँ से आ रहा है? वो तो वैसे कैमरा देखकर नहीं बताना चाह रहे, और हमको भी पता है ये पानी झील से नहीं आ रहा, ये पानी बोर से आ रहा है। आए चलते हैं पाइप को देखते हैं कहाँ से आ रहा है। सर अस्सलाम वालेकुम, आप खेलते हैं यहाँ? कैसे, क्या नाम है आपका? सोहेब। सोहेब साहब, आप खैरियत से हैं? मिजाज ठीक है। सोहेब साहब, हाई कोर्ट का ना ऑर्डर्स हैं, और हाई कोर्ट जो है उन्होंने सारे इदारों को ऑन बोर्ड लेकर और डायरेक्शंस दी कि आप पानी बचाएं, हमारा कौमी फ्रीजा भी है, इसे बचाएं। तो किस तरीके से आप समझते हैं कि इसको बचाया भी जा सकता है, आपके जहन में कोई तजवीज़? सर, उसका सबसे बेस्ट साल तो डैम है, जब तक तो डैम नहीं बनेगा ये सारे टेम्प्ररी एफर्ट्स हैं जो आप लोग घरों की लेवल तक तो बचाया जा सकता है। लाहौर में पानी की सतह बहुत नीचे चलेगी, थोड़े से लोगों को अवेयरनेस देंगे। एक और तरीका है, एक और तरीका, हम फ्रेंजिक लैब का हमने एक दफ़ा विजिट किया, तो वहाँ उन्होंने वेल्स बनाए हुए हैं, और वो वेल जो है, वो कुएं जो है, वहाँ बारिश का सारा पानी चला जाता है, फिर उन्हें बोर लगा के उसी पानी को रिस्टोर कर लेते हैं, ले आते हैं वापस। तो ये इंटरनेशनली ये होता है, इधर बड़ी अहम तरीन इमारतों में भी आपको ये नहीं नजर आएगा वेल वगैरह। सही है। और इस पार्क में बारिशों का पानी इकट्ठा करने का, सैमुअल साहब, इस पार्क में कोई है सिस्टम बारिश के पानी को प्रिजर्व करने का या संभालने? बारिश का पानी निकलता है झील में जाता है। निकलता किन जगहों पे है, कोई लगा हुआ ऐसा सिस्टम जो पानी पाइप डाले हुए हैं? कुआं नहीं है, कुआं नहीं बना हुआ, कुआं नहीं, पाइपों से सारा पानी, इस यहाँ से पानी बाहर निकलने का एक ही रास्ता झील। अच्छा, बोर कितनी फीट है नीचे? पता नहीं, नहीं पता जी। झील पे जाते हैं, मेरे साथ आइए इधर से, और आपको झील पे लेके जाते हैं, वहाँ का सूरत हाल भी देखते हैं, और वहाँ भी कोशिश करते हैं ये जांचने की कि कितने ट्यूबवेल्स लगे हैं जो झील को भरते हैं, और कितनी देर बाद, कितनी ड्यूरेशन के बाद उसको भरा जाता है, कितना ज़मीनी पानी जो है वो झील को जाता है। एक बात और है बड़ी अहम, वो ये है कि ये सारी की सारी ज़रूरियात, ऐसा ना कहीं हो, हमें जो कंसर्न है, ऐसा ना कहीं हो कि कुछ परसेंट ये नहर से ले लें पानी और बाकी इसी तरह सिस्टम चलता जाए। इस कंसर्न की वजह से अभी तक तो सारे का सारा सिस्टम इनका ज़मीनी पानी पे चल रहा है, और वो ज़मीनी पानी जिस पर अली अकबर कुरैशी साहब कह रहे थे कि ये वो पानी है जो साफ़ सुथरा पानी है, जो पीने के काबिल पानी है, हल्का सा फिल्टर इसे लगा के, अगर ऐसा कोई ज़मीनी पानी उसमें कोई मसला भी है तो हल्का फिल्टर लगा के, उन्होंने मिसाल दी, दूर अफ्तादा इलाकों की मिसाल दी, थर की मिसालें दी कि जहाँ लोगों को जो जानवरों वाला पानी पीना पड़ता है, उन्होंने और स्टेशन वालों की वो तजवीज नहीं मानी जो उन्होंने कहा कि हम तो पीने का पानी नहीं इस्तेमाल करते, सिर्फ 50 फुट या 100 फुट पे इस्तेमाल करते हैं जो गैर जरूरी पानी होता है। तो उन्होंने कहा कि क्या उस पानी को फिल्टर लगाकर साफ नहीं किया जा सकता? तो उन्होंने कहा जी वो तो साफ हो सकता है। तो उन्होंने कहा फिर आप वो पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक गाड़ी पर 400 लीटर पानी खर्च आता है, लेकिन सर्विस स्टेशन वाले एक पैसा भी गवर्नमेंट को पे नहीं करते, और ना ही वासा की जानिब से उनसे पैसे वसूल करने के लिए कोई कानून सा। अच्छा, मैं एक बात और इधर एक बात और, सर्विस स्टेशन को आप ज्यादा चार्ज भी कर देंगे, ज्यादा चार्ज कर, लेकिन वो फिर भी बात तो वही है ना, क्योंकि वो तो फिर भी जमीनी ज्या कर रहे हैं, जमीनी पानी का ज्या हो रहा है। अच्छा, आप इसमें आप, मैं आपको एक बात बताऊं, ये बात चलें ठीक है, इनकी मान लेते हैं जी, कई इदारे फाइलें खेलते रहते हैं और काम नहीं करते, इसको इस बात को भी हम मान लेते हैं। मसला ये है कि अब आप ये बताइएगा कि लाहौर में तकरीबन खुद ही ये बता रहे हैं कि 40,000 जो कनेक्शन है सिर्फ वो कानूनी है, वो जायज़ है, बाकी सब गैर कानूनी है। हाँ, बाकियों को बंद करके सुन लें, सुन लें, जब भी ये जी झील पे हम आ गए, और झील पे ये आपको देख सकते हैं कि यहाँ ये पानी आ रहा है, झील में भी पानी आ रहा है जी। ये पानी कहाँ से आ रहा है? बारिश का पानी है जो उन्होंने इकट्ठा किया हुआ, इस बारिश का मैं आपको बताता हूँ, ये जो मर्जी कह लें, जब पीएच जो मर्जी कह लें, ये पानी सारा बोर का पानी है जो आप चेक कर लेते, अभी चेक कर लेते, अगर ये बोर का नहीं है तो पानी को मट्टी वाला होना चाहिए, ये मट्टी वाला पानी नहीं है, साफ वाइट। मैं देख लेता हूँ, चेयरमैन वाटर कमीशन जी जस्टिस रिटायर्ड अली अकबर कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुरैशी साहब, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। शायद अभी लोगों को यकीन नहीं आ रहा हमारी बातों पे,
शायद लोग समझ नहीं पा रहे कि चीज़ें जो हैं वो अगर पानी को इसी तरह बेदरेक इस्तेमाल किया गया तो ये खंडरात की तरफ चीज़ें चले जाएंगी और खंडर बन जाएंगी। आपकी काविशें अब तक कितनी रंग लाई हैं, कितना और एजुकेट करने की ज़रूरत है, और पानी को बचाया कैसे जा सकता है सबसे बड़ा सवाल, और सबसे बढ़कर जो ड्रिंकेबल पानी है जब उसे आप यूज़ कर लेते हैं तो उसे रिसाइकलिंग करके और किन किन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिसमें बड़े पैमाने पर मसाजिद हैं, बड़े पैमाने पर मदारिस हैं जिनमें हज़ारों बच्चे, बड़े पैमाने पर यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे जाते हैं, जहाँ भी इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, ख़्वाब वो मसाजिद हैं, मदारिस हैं या दीगर इंस्टीट्यूट्स हैं। तो क्या लाहेमल क्या है और कितना आप समझते हैं कि ये आपका प्लान वर्केबल है और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैं पहले सबसे पहले आपको ये बताऊंगा, क्योंकि आपका मीडिया का मीडिया से ताल्लुक है और मीडिया से बेहतर कोई अवेयरनेस नहीं दे सकता आज के दौर में, चाहे वो प्रिंट मीडिया है चाहे वो ये वाला इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आज जो अहमियत है उससे इनकार मुमकिन नहीं है, और जिस तरीके से डे बाई डे इसकी अहमियत सोसाइटी के अंदर और बाकी जितनी भी सोसाइटीज़ को अच्छी बुरी बातें आप जिस तरीके से उनको हाईलाइट करते हैं उसी के अंदर अवेयरनेस देने के लिए मीडिया का इस पानी के बारे में भी बहुत बड़ा पहले भी किरदार रहा है और आगे भी मुझे उम्मीद रहेगा। अब दूसरी बात यह है कि ये जो कमीशन बनाया गया है ये कमीशन हाईकोर्ट ने मुकर्रर किया है, जुडिशल कमीशन, जिसका सिर्फ एक मकसद है कि ड्रिंकेबल वाटर को बचाया जाए, टू कंजर्व द ड्रिंकेबल वाटर, टू सेव द ड्रिंकेबल वाटर। अब ड्रिंकेबल वाटर की जो हमारी लाहौर के अंदर सूरत हाल चले गई है, जो कि हकूमत के जो अदारे हैं उनकी रिपोर्ट के मुताबिक कि 800 फुट तक हम जा चुके हैं, नीचे 200 फुट पानी है, 200 फुट पानी 2025 तक जाएगा, हर साल 1.5-2 फुट पानी हम नीचे जाते हैं, नीचे रॉक्स हैं। उसके बाद जो हाल होगा वो वाला केप टाउन वाला, बल्कि केप टाउन की मिसाल क्या देनी है आपको, आप कराची जाइए जहाँ पिंडी की मिसाल मौजूद है, आप उसके बाद पिंडी उन्होंने कहा दिया कि आप 2 घंटे पानी चलाते हैं वासा पिंडी वाले, कराची आप देख रहे हैं कि जहाँ 1 घंटा पानी आता है बाकी टैंकर आते हैं। अब ये सूरत हाल हम सामने देख रहे हैं, उसके बावजूद किसी किस्म के कोई ऐसे जो स्टेप्स हैं जो कि कल को जाके जिनसे हम पानी बचा सकें अभी तक वो नज़र नहीं आ रहे। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई है, मैं जब बतौर जज भी मेरे पास ये पटिशन आई थी उस वक्त भी मैंने ऑर्डर किए, उसके बाद हम इससे आगे चल पड़े। अब हम जो आगे चल पड़े हैं तो हमने सबसे पहले ये लिया कि वो पानी को कैसे बचाया जाए। उस पानी को बचाने का तरीका ये था कि जो सरफेस वाटर है, जो सरफेस के ऊपर पानी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया। अच्छा, मैं जैसे इसमें जैसे साहब, मुझे इसमें कुछ चीज़ें अपने व्यूअर्स को भी समझानी है, आप चूँकि इस पर एक्सपर्टीज़ भी हैं, आप बींग जज भी इस पर केस को लेकर चलते रहे, दादा साहब की अगर हम बात करें तो कितना पानी बच सकता है जो प्लान है अगर उसे इम्प्लीमेंट किया जाए? जी, आपने बहुत अच्छा कहा, दाता साहब का जो पानी हम बचाएंगे वो वाला पानी होगा जो कि वजू का पानी होगा। अच्छा, वजू का पानी फिर किधर जाएगा? वजू के पानी के लिए एक हम टैंक बनाएंगे, ठीक है, वो टैंक में जो वजू का पानी ज्यादातर साफ ही होता है जो प्लांटेशन के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, वो पानी जाया नहीं होगा, टैंक बनाया जाएगा, टैंक ना, एक टैंक बनाया जाएगा उसमें महफूज हो जाएगा। हमारे रिसर्च के मुताबिक दाता साहब में डेली 1,00,000 गैलन पानी जो है वो बच सकता है, डेली का 1,00,000 गैलन 5 नमाजों का, जितने माशाल्लाह वहां लोग 30 दिन का 30,00,000 गैलन 30,00,000 गैलन इतनी बड़ी तादाद में पानी, इतनी बड़ी तादाद, अगर सिर्फ वो इम्प्लीमेंट कर लिया जाए, अगर वो टैंक बना लिया जाए, वो टैंक से आपका मुराद है कि वजू का पानी जो नीचे गिरा है वो टैंक में महफूज होता जाए, वो सीधा उसका जो पाइप है वो सीवरेज में जाने की बजाय वो वाला टैंक में आ जाएगा, ठीक है, उसका पाइप टैंक में आ जाएगा, बिल्कुल सही, टैंक में आके वो स्टोर हो जाएगा, वहां से पीएचए वाले वो पानी उठा के सर्कुलर रोड जो है, जो सर्कुलर जो इनका गार्डन है वहां दे सकते हैं, नहीं तो मंटो पार्क में जाके जहां जहां उन्हें जरूरत है, जहां भी उनको लगता है कि ये पानी जाके पानी इंप्लीमेंट किया। अब मैंने ये सिर्फ आपको एक जगह बताई है, 1,00,000 गैलन एक जगह, इसके बाद आप चले हजरत मियां मीर, उसके बाद बीबी पाक दामन, शाह जमाल, उसके बाद माधु लाल हुसैन शाह, शाह कमाल, बाकी जो मजार है, हमने सिर्फ एक दफा
ایک دفعہ انویسٹمنٹ میں اس کو کہہ لیتا ہوں، اس صدقہ جاریہ کے لیے، اس اللہ تعالیٰ کی نعمت کو بچانے کے لیے ایک دفعہ ٹینک بنا. اچھا یہ جتنے ایک دفعہ موٹر جتنے آپ نے نام لیے بڑے برگزیدہ ہستیوں کے نام ہیں، ان میں زائرین کی تعداد بہت زیادہ آتی ہے، بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، تو یہاں سے آپ کا کیا تخمین ہے کتنے گیلن واٹر جو ہے وہ بچ سکتا ہے یہاں سے؟ جو مجھے اوقاف والوں نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ اوقاف والوں نے بتایا کہ بی بی پاک دامن سے ڈیلی 50,000 گیلن، یعنی کہ ہاف آف دادا صاحب، ہاف آف. اس کے بعد حضرت مادو لال حسین 20-25,000، حضرت میاں میر 20-25,000، اسی طریقے سے آپ باقی لگا. آپ دیکھیے کہ ایک دن کے اندر چلے آپ 2,00,000 گیلن لگا لیں، سیم نہیں 1,50,000 گیلن لگا لیں، ایک دن کے اندر 1,50,000 گیلن یہ پانی بچے گا. اب آپ آ جائیے جو آپ کی بڑی مساجد ہیں، جو مدرسے ہیں آپ کے، جامعہ اشرفیہ ہے، جامعہ نعیمیہ ہے، جن کے اندر جامعہ اشرفیہ میں کیا تخمین ہے آپ کا؟ یہ مدارس کے مطابق جامعہ اشرفیہ کے ابھی ہم نے کوئی ریسرچ نہیں کروائی، لیکن جتنے اسٹوڈنٹ وہاں پڑھتے ہیں سیفلی میرا خیال ہے 50,000 سے کم نہیں ہوگا. 5 ٹائم کی جو نماز ہے اس کا پانی. پھر فاض صاحب میں ایک اور بات آپ دیکھیں کہ آپ کا جو ڈرینیج سسٹم ہے اس کے اندر سے یہ بوجھ ختم ہو جائے گا، ٹریننگ کے اوپر جو ڈریننگ پہ آپ کا بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، بوجھ ختم ہو جائے گا. 1,00,000 گیلن جو ڈریننگ پہ پانی جاتا ہے وہ نہیں جائے گا. جو ٹیوب ویل سے آپ ڈرنکیبل واٹر 1,00,000 گیلن ڈیلی ڈرنکیبل واٹر نکالتے ہیں، وہ ٹیوب ویل سے نہیں نکالیں گے، آپ کی بجلی بھی بچے گی. تو جو بڑی یونیورسٹیز ہیں بجلی بھی بچے گی. اب آپ اس کو ایسے کریں کہ یہ جتنے مدرسے لاہور میں ہیں ایوریج آپ ان کا لگاتے جائیں، 103 مدرسے انہوں نے بتائے ہیں جو لاہور کے اندر ہیں، جو کہ مجھے اسسٹنٹ کمشنر نے سروے کر کے بتائے، 103 کا ایوریج آپ لگا لیں، کتنا ایوریج لگائیں گے آپ، پانی کتنا پانی بچے گا. اس کے بعد ہم نے یہ کیا، آج اللہ کی مہربانی سے جو آپ نے سوال پوچھا کہ میرے ان ایکشن کی وجہ سے، اقدامات کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی وجہ سے یہ جو آئیڈیا ایک ذہن میں اللہ نے ڈالا، آج اس کی میں پریکٹیکل شیپ جو ہے وہ اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں. آج دیکھیے لاہور کنٹونمنٹ والوں نے وہ 80% ان کے وضو کو ریزرو کرنے کے جو ٹینک ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں. ڈی ایچ اے والوں نے ہر مہینے 5 ٹینک بنائیں گے، وہ ڈی ایچ اے والے 5 ٹینک بنائیں گے. اس کے بعد جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، جو کوآپریٹیو سوسائٹیز ہیں، رجسٹرڈ کوآپریٹیو نے ان کو لکھ دی ہے، اور میرا جو اے سی ہے وہ بھی جائے گا، وہ دیکھے گا وہاں ٹینک بننے شروع. کتنی دیر میں امپلیمنٹ ہوگا کوآپریٹیو سوسائٹی؟ یہ مجھے کوآپریٹیو سوسائٹی کا انہوں نے جو لیا ہے میرے سے، انہوں نے 45 دن مانگے، 45 دن کہ ہم نے کہہ دیا جی وہ بننے شروع ہو گئے، یہ 45 دن میں. ٹھیک. اب اس کے بعد دیکھیں ڈی ایچ میں بننے شروع ہوں گے، ادھر بننے شروع ہوں گے. اس کے پاس میں اس میں مجھے ایک چیز بڑی سمجھنی ضروری، یہ تو موٹے موٹے وہ پروجیکٹس ہیں جو جہاں بڑے پیمانے پر عوام آتے ہیں، لوگ آتے ہیں، بچے آتے ہیں، بڑی یونیورسٹیز اس میں شامل ہیں ساری، بالخصوص گھروں میں. آپ دیکھیں کہ گھروں میں ایک بندہ جو ہے وہ اسے گھر میں 4 میں سے 2 فرد ایسے ہوتے ہیں جسے 2 گھنٹے نہانے کی عادت ہے، 2-2 گھنٹے لوگ نہاتے ہیں بڑے سکون سے، اور لوگ نہا کے بڑا پلیئر محسوس کرتے ہیں، بڑا سکون محسوس، اپنی اپنی عادت ہے. کچھ لوگ 5 منٹ میں نہا کے باہر آ جاتے ہیں، کوئی 2-2 گھنٹے نہیں نکلتے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں تو مزہ آتا ہے اتنا نہا کے. اب وہ پانی جو ضائع ہو رہا ہے گھروں میں کوئی ایسا میکانزم نے موجود نہیں ہے، اور اتنی بڑی لاہور کی آبادی، 1.5 کروڑ کی آبادی، اس کا کیا کریں گے؟ آپ کی بات کہے گی جواب دوں گا. وہ جو بندہ 2 گھنٹے نہا رہا ہے، وہ جو 1 گھنٹے نہا رہا ہے، اس کو میں صرف آج اس چیز کی یہ وارننگ دیتا ہوں، اس کو وارن کر رہا ہوں کہ شاید پھر 1 دن میں وہ 5 منٹ بھی نہ نہا سکے اگر اس نے یہ پانی ضائع کیا. میں اس کو صرف یہ وارننگ دے سکتا ہوں کہ ایسے پانی اگر ضائع کیا اس نے تو شاید وہ 1 دن میں 5 منٹ بھی نہ نہا سکے. کراچی ہمارے سامنے ہے، پنڈی ہمارے سامنے. اچھا پھر اس میں آپ نے کیا، اس میں آپ نے اب میں نے یہ کیا کہ ڈولفن والوں کو میں نے اس کے اندر میں نے شامل کر دیا. ڈولفن والے صرف اور صرف یہ کرتے ہیں کہ جو پانی وہ پائپ کے ذریعے گاڑی دوڑے ہیں، جو سامنے نظر آتا ہے پائپ کے ذریعے گاڑی دوڑے ہیں، وہ جا کے ان کی پکچر لے کے ہمارے ایس ڈی او کو، وہ واٹس ایپ گروپ ہے، وہ ایس ڈی او کو بھیج دیتے ہیں، ایس ڈی او اس کا چلان کر لیتا ہے. ابھی تک ڈولفن نے 3,000 چلان کی ہے. اس میں ایک چیز اگر آپ ایڈ اور کر لیں، تو جہاں بھی نیا مکان بنتا ہے تو وہ بور کرتے ہیں، بور کرنے کے بعد نیچے ڈرنکیبل پانی نکلتا ہے، اس پانی سے وہ اینٹیں بھی دھوتے ہیں، پورا مکان اس پانی سے بنتا ہے، اور اس کا کوئی میکانزم موجود ہے؟ اب اس کا کہہ دیا کہ ڈولفن والے ان کا چلان بھی کر لیں.
अभी तक 3,000 से ज्यादा चालान कर चुके हैं जो कि रिकॉर्ड है। और आगे उन्होंने कहा जी कि हमने ज्यादा फोर्स लगा दी है, जो ये जहाँ भी जाते हैं वो चालान कर रहे हैं। अब देखिए PHA की वजह से, PHA ने ये जो टैंक बना रहा है और उसके बाद नहर का पानी, मैंने आपको बताना था कि पाकिस्तान बनने से पहले 26 वाटर कोर्स थे जो नहर से निकलते थे, जो कि बंद हो गए वक्त के साथ। जी बिल्कुल ठीक। अब उन्होंने क्या किया कि मैंने जो सेक्रेटरी एडुकेशन को और मेयर लाहौर को, उन्हें मैंने कहा जैसे मर्जी जाएं खुलवाएं, जब मैं जज था उस वक्त जाके उन्होंने खुलवाए, 17 खुल चुके हैं इस वक्त। गवर्नर हाउस, एशियन कॉलेज, GR1, लॉरेंस गार्डन, जलानी पार्क, इस वक्त सारा नहर का पानी जा रहा है। बिल्कुल याद है मुझे। उसके बाद अगली बात देखिए कि जल्लों से लेके ठोकर तक नहर के दोनों तरफ इससे पहले ड्रिंकेबल वाटर प्लांटेशन के लिए ग्रीन बेल्ट को लगाते थे, अब वो नहर का पानी लग रहा है। अब टोटल जो उन्होंने तखमीना बताया है, वासावन उन्होंने तखमीना बताया कि डेली हमारे इन एक्शन की वजह से तकरीबन 2 करोड़ गैलन ड्रिंकेबल वाटर बच रहा। अच्छा सर, इसमें एक चीज और बच रहा है, 2 करोड़। जैसा एक आम बड़ी चीज है, अभी देखें बारिश का मौसम भी है, बारिश का बहुत बड़ा पानी जो है, आप फोरेंसिक लैब चले जाएं तो फोरेंसिक लैब ने क्या किया कि वेल बनाए हुए हैं कुएं, और उन कुओं में बारिश का पानी सारा चला जाता है और वो उनको फिर रिसाइकिल करते हैं और उन्हें यूज़ करते हैं, इस्तेमाल में लाते हैं जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती है। तो हमारे सरकारी महकमों में भी ऐसा रूल ही नहीं है, घरों में तो दरकिनार सरकारी महकमों में। मैं आपको बताता हूँ जो मेरे इख्तियार में आ सकता था, ये गवर्नमेंट के सोचने की बात है, गवर्नमेंट इसके लिए बनाने के लिए चाहे कुछ नहीं। इससे पहले देखें कि पहले जो स्कीमें बनती थी गुलबर्ग में, आज भी एक डूंगी ग्राउंड है, आप जाएं समनाबाद में आज भी एक डूंगी ग्राउंड है जहाँ सारा पानी बारिश का पानी आ सकता था। मेरे इख्तियार में एक बात आई, उन्होंने बताया कि लिबर्टी पार्किंग के अंदर 2 टैंक उन्होंने बनाए थे, ये इन्होंने CNW ने 2 टैंक बनाए थे जिसमें एक लाख गैलन जो बारिश का पानी आ सकता था। वो मुझे पता लगा कि वो बंद पड़े हैं और उसके मोटर भी बंद पड़े हैं। कल मैंने कॉरपोरेशन वालों को बुलाया, उनको बुलाया, साथ मैंने उनको कहा था जो इसमें असिस्टेंट कमिश्नर था उसको मैंने कल ये ऑर्डर किया था कि आप जाके वो टैंक को साफ कराएंगे, और ये अब जो बारिशों का पानी शुरू है वो 1 लाख गैलन का मतलब है 2 लाख गैलन उसके अंदर बारिश का पानी आ जाएगा। अगर 2 लाख गैलन आता है तो आपको पता है कि लिबर्टी के बिल्कुल सामने एक गार्डन है, पार्क है, अगर आप जेन में लाएं तो पार्क है, वो पानी वहाँ से जाके वहाँ वो पानी दिया जा सकता है, बारिश का पानी वहाँ स्टोर हो जाएगा। देखिए जो जो कमीशन के इख्तियार में है, कमीशन उससे कम नहीं कर रहा। अब आप देखिए कि ये जो एक्वाफर चार्जेस है, आज तक सर्विस स्टेशन से पाकिस्तान बनने के बाद एक पैसा किसी ने टड़ी पैसा बिल नहीं लिया था, किसी हाउसिंग सोसाइटी से कोई बिल नहीं लिया जाता था। 2 माह के अंदर आप जाके फैक्ट्स एंड फिगर्स ये जो है चेक कर सकते हैं वासा से, हमने 21 करोड़ रुपया वसूल किया 2 माह के अंदर। उनकी जो अपनी रिकवरी में रखा 23 करोड़ आप बता रहे हैं, अपनी सालाना उनकी जो एमडी वासा ने बताया वो 23 करोड़ सालाना उनकी रिकवरी 2 माह में ये वसूल की है। अब आप देखिए कि जो AC ने मुझे बताया 130 सर्विस स्टेशन हमने सील किए, 2 सर्विस स्टेशन पर उन्होंने उसको डीसील किया, दोबारा इस्तेमाल किया, दोनों के खिलाफ पर्चा करा दिया। उसके बाद 40 सर्विस स्टेशन जो हैं उन्होंने रिसाइकलिंग टैंक बनाने शुरू कर दिए। अब ये सिर्फ एक अच्छा, ये आपको लगता है कि ये कैंपेन जो है सारी ये चलती 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 घरों तक भी जाएगी, ये और घरों तक को भी किसी मैकेनिज्म में, नए घर जो बनते हैं उनकी तामीरात करते हुए भी कोई मैकेनिज्म खास कि जो नहाने का पानी आपका ज़ाया होता है, किचन का पानी जो ज़ाया होता है उसे किसी तरीके से स्टोर किया जाए और वो किसी और जगह यूटिलाइज किया जा सके। ये मैं आपको इतला दे दूं कि मेरे ऑर्डर के तहत ही इन्होंने LDA ने अपना जो बिल्डिंग रेगुलेशन है उसके अंदर उन्होंने अमेंडमेंट कर दी है। अब उन्होंने कह दिया कि गैराज के साथ एक टैंक बना करेगा जिसमें बारिश का पानी इकट्ठा हुआ करेगा। पहली बात, घरों के लिए मैं एक मैसेज देता हूँ, वो मैसेज मैं ये देता हूँ, अपनी जो बहनें हैं, बेटियाँ हैं, जो बच्चे हैं, उनको सिर्फ एक मैसेज कि जब वो पानी इस्तेमाल करें तो वाटर टैप जिसको टूटी कहते हैं वो आधी खोल। अच्छा, किचन में तो बेदरेक पानी का इस्तेमाल हो रहा है, यही कहने लगा बर्तन धोते हुए तो अपना जो घर का मुलाजम है, जो खवातीन है खुद, वो अगर बर्तन उन्होंने रख दिए हैं तो साथ उन्होंने खोल दिया है, साथ उन्होंने नलका खोल दिया है, खुद वो किसी और काम में मसरूफ हो गई है,
तो नलके को प्लीज नहीं नलका खोल के उन्होंने तड़का भी देखना है कि लग रहा है कि नहीं वो साथ उन्होंने तो ये देखने साथ सही चल रहे हैं उसको बंद कर दें अपने मुलाजम को के उसको बंद कर दें। अब हमने एक दूसरा काम ये किया है कि एक प्राइवेट कंपनी के साथ वासा एक ज्वाइंट वेंचर कर रहा है कि उनके जो जो इसके पानी के जो मीटर हैं वो घरों में लगाए जा रहे हैं। अगले हफ्ते उन्होंने मुझे रिपोर्ट देनी है कि वो जो ज्वाइंट वेंचर होगा वो प्राइवेट कंपनी लगाएगी फिर वासा उनसे वसूल करके बिल के अंदर उसको फिर वो पे कर देगा वो कंपनी को पे करेगा। अब मैं आपसे आखिर में एक बात ये कहना चाहूँगा आप ये मीडिया वालों से आप हो आपने जो डे वन से इस मामले में बड़ा साथ दिया इस कंपेन के अंदर आपका जो लाहौर न्यूज़ है वो सब में जो मेरी राय में सबसे ज़्यादा उसने टाइम दिया ठीक है बाकी मीडिया ने भी टाइम दिया है ये इनकार नहीं है सबसे ज़्यादा दिया। मैं आपकी विरासत से आपको भी बाकियों को भी कहूँगा ये सदका जारी है ये नेमत रबे जलील है इसको ज़ाया होने से बचाइए इससे पहले कि हम केप टाउन में तब्दील हो जाए या हमें भी केप टाउन की तरह एक दिन में 12 लीटर पानी मिले पीने का उससे पहले आप इस कंपेन में शामिल हो जाइए। कंपेन में शामिल होकर हमारे जो मजहबी रहनम हैं हमारे जो आइमा कराम हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जुमे वाले दिन वो लोगों को बताएं कि ये नेमत रब्बे जलील है आपने वजू करते ये पानी ज़ाया नहीं करना। आपसे भी गुजारिश है कि आप अपने फोरम के लेवल पे आप कोई भी ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं जिसमें आइमा कराम को ये जो मदारस के लोग हैं इनको बुलाइए और इनको कहिए कि हमने ये पानी बचाना है आपने हमारे साथ शामिल होना है ठीक है जी। तो ये जो आपका होगा इसकी जो जजा है वो अल्लाह ताला आपको देगा। बहुत शुक्रिया जसी साहब जी हमारे साथ मौजूद थे और पानी आप बचाइए अपने लिए भी और आने वाले मुस्तकबिल के लिए भी।